अस्सलाम वालेकुम, आज हम ट्राउज़र का एक खूबसूरत डिज़ाइन बना रहे हैं और ये सिगरेट पैंट का डिज़ाइन है। तो इसके लिए हमें अपने ट्राउज़र की जितनी लेंथ रखनी है उससे हाफ इंच लेंथ ज़्यादा रखनी पड़ेगी। उसके अलावा डिज़ाइन शुरू करते हैं। ये बॉटम साइड की तरफ से 2.5 इंच छोड़ के इस तरह निशान लगाएंगे। ये कपड़ा अंदर की तरफ मोड़ के सिलाई लग जाएगी बाद में। अब इसे निशान से शुरू करते हुए 8 इंच के फासले पे निशान लगाएंगे। दूसरी तरफ भी इसी तरह निशान लगाएंगे 8 इंच के फासले पे। यहाँ से शुरू करना है। और इस तरह 8 इंच के फासले पे निशान लगाएंगे। ये पहला निशान हमने 8 इंच के फासले पर लगाया है और दूसरी तरफ भी 8 इंच के फासले पर ही निशान लगाया है। यहाँ हमने क्रॉस वाले प्लेट डाल के डिज़ाइन बनाना है। इस तरह प्लेट डालेंगे यहाँ से इस कॉर्नर पे और नीचे से इस तरह आएगा। दूसरी तरफ भी इसी तरह निशान लगाएंगे। दो इंच नीचे से छोड़ेंगे और यहाँ निशान लगाएंगे। दूसरी तरफ भी 2 इंच के फासले पर निशान लगाएंगे और यहाँ सेंटर से 8 इंच के फासले पर निशान लगाएंगे। इस साइड से भी 8 इंच के फासले पे निशान लगाएंगे और उसे इस तरह मिला देंगे। अब इसे खोलेंगे तो ये इस तरह से आएगा डिजाइन। से सेंटर से हम कट कर देंगे, लूप्स लगाकर मोती लगाएंगे उनमें। यहाँ तक ये निशान मैंने आपको दिखाने के लिए लगाए हैं, लेकिन डिजाइन हम इस तरफ नहीं दूसरी तरफ बनाएंगे, क्योंकि इस तरफ डिजाइन बनाया तो ये नजर आएगा, इसलिए हम दूसरी तरफ डिज़ाइन बनाएंगे। साइड के निशान लगा लेते हैं। पहला प्लेट हम सेंटर में शुरू करेंगे यहाँ से और इस तरह कपड़े को उठा के इस तरह बनाएंगे। दूसरी तरफ यहाँ से बनाएंगे। इसी तरीके से 1/2 इंच के फासले पे एक और प्लेट बनाएंगे।
दूसरी तरफ भी आधे इंच के फासले पे एक और प्लेट बनाएंगे। अब एक और प्लेट ऊपर की तरफ ही बनाएंगे। इस तरफ के प्लेट बना चुके हैं, अब हम दूसरी तरफ के बनाएंगे। यहाँ से पकड़ेंगे और एक यहाँ से। कट को थोड़ा सा और लंबा कर लेंगे, एक इंच के करीब और कट लगा लेंगे यहाँ से। दो प्लेट बना चुके हैं इस तरफ, अब एक प्लेट और बनाएंगे और वो इसके ऊपर ही बनाएंगे। आधे इंच के फासले से इस तरह प्लेट डालेंगे। इस तरह ये डिज़ाइन आएगा। अब दूसरी तरफ भी प्लेट बनाते हैं बिल्कुल इसके इसे बराबर करके, यहाँ निशान लगाएंगे। पहला प्लेट हम यहाँ बनाते हैं नीचे वाला इस तरह। अब ये लास्ट वाला प्लेट भी हम यहाँ बनाएंगे आधे इंच के फासले पर ही।
प्लेट हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। अब सेंटर में हमने लूप्स लगाने हैं और लूप्स लगा के बाद में पट्टी लगाएंगे जो अंदर मोड़ के सिलाई लगाएंगे। ये मैंने तैयार कर ली है, लूप्स 2 इंच लंबा है। ये पिछली पोंचे वाली वीडियो में मैं ये डोरी बनाने का तरीका बता चुकी हूँ, अगर आपको नहीं मालूम तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ से शुरू करते हैं। ये आखिरी पॉइंट पे, ये जो हमारा आखिरी प्लेट है, इसके ऊपर से शुरू करेंगे इस तरह। ये 3-3 रिंग जोड़ के हम लगाएंगे, तो ये 2 लगा ली हैं और तीसरा ये। अब इस बॉक्स के सेंटर में लगाएंगे इस तरह निशान लगा के, तो 1 रिंग यहाँ लगा देंगे और 1 इसके नीचे, 3 रिंग यहाँ लगाएंगे। नीचे से रिंग का फासला 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ऊपर से ज़्यादा हो गया, तो मैं ऊपर वाला 1 रिंग उतार दूंगी और वो नीचे लगा दूंगी। इस तरह फासला ठीक आ जाएगा। ये ऊपर से रिंग मैंने उतार लिए हैं और अब मैं नीचे लगाने लगी हूँ। यहाँ से ही शुरू करते हैं। अब बैलेंस हो गया और ये इस तरह से आएगा। इसके अंदर मैं अब कपड़ा लगाती हूँ। ये 2 इंच चौड़ाई में पट्टी ली है मैंने और लंबी 11 इंच है, तो इसको मैं सेंटर से कट करूँगी। 2 पट्टियाँ हैं ये, इस तरह इसको सेंटर में कट कर लेते हैं। इस तरह इसके अंदर लगाएंगे ये कपड़ा। यहाँ से आके दूसरी तरफ मोड़ लेंगे। यहाँ सेंटर में कट लगाएंगे ताकि सीधा हो जाए। इसे अंदर मोड़ के हम नीडल के साथ तुरपाई करेंगे, सिलाई नहीं लगाएंगे, तुरपाई कर लेंगे। और ये इस तरह आ जाएंगे बटन मोती लगा लें या बटन लगा लें यहाँ। इस तरह से ये डिज़ाइन आएगा। अभी हम कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं, तो पहले से सुई के साथ तुरपाई कर लेते हैं। इस तरह से मैंने रिंग लगा लिए हैं और अंदर पट्टी लगा के उसको इस तरह तुरपाई भी कर ली है।
अब ये सेंटर से अलग नहीं किया था ट्राउज़र को, तो अब हम इसे यहाँ सिलाई लगाएंगे। अगर अंदर की तरफ सिलाई लगानी है तो अंदर की तरफ लगा ले, मैं इस तरह बाहर की तरफ सिलाई लगाऊंगी। अब इसे जोड़ के साइड की सिलाई लगा लेते हैं। तरह से पंचे को सीधा करेंगे और यहाँ लगाएंगे हम बीड्स, लगाएंगे नीचे की तरफ से अंदर मोड़ के। अगर आप चाहें तो तुरपाई कर लें या मशीन के साथ ही सिलाई लगा लें। ये ट्राउज़र के अंदर की साइड है और इस तरह से बाहर वाली। अभी हम आपको बीड्स लगाकर दिखाते हैं। अगर आपने यहाँ से खुला रखना है तो इस तरह खुला रख लें और इस तरह बीड्स लगा लें, कट देना दो। और अगर इसे बंद करना है तो इस तरह बंद कर दें। वैसे आप यहाँ एक कट भी रख सकते हैं, इतना इतना लंबा ना रखें। और अगर पट्टी नहीं लगानी तो सीधी ऊपर से नीचे तक सीधी सिलाई भी लग सकती है। और ये रिंग बाहर की तरफ कर लेते हैं, जब सिलाई लगाते हैं तो रिंग बाहर की तरफ कर लेते हैं। इस तरह से ये भी आपको लगा के दिखाते हैं। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया है तो कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा है। अगर पहली दफ़ा मेरी कोई वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।